निजीकरण के विरोध में हरियाणा रोडवेज की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू हो गई। पानीपत जिले में भी बसों का चक्का जाम देखने को मिला। हरियाणा रोडवेज की हड़ताल होने के कारण पानीपत से दूसरे जिलों में जाने के लिए काफी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि सरकार को हमने पहले ही आग्रह कर दिया था कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। रोडवेज कर्मचारियों ने 28 और 29 मार्च को हरियाणा में चक्का जाम किया है। कर्मचारियों ने कहा कि हम 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे, सरकार ने फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी तो उन्हें और कदम उठाना पड़ सकता है। रोडवेज प्रशासन को भी ये पता चल गया है कि कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर के कितने गंभीर हैं, जो आज उसका परिणाम देखने को मिल गया है। और पुरानी पेंशन और विभागों का निजीकरण, इसको मेन मुद्दा मानते हुए आज सभी विभागों में इस हड़ताल को सिरे चढ़ाया गया है। उसी कड़ी में रोडवेज का कर्मचारी भी रोषित होकर के आज इसकी हिस्सेदारी किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि 29 मार्च रात 12 बजे तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी, जिसमें सभी रोडवेज कर्मचारी भाई पूरा सहयोग दे रही हैं। वहीं पानीपत बस स्टैंड के आसपास पुलिस की तैनाती भी की गई है ताकि कोई अनहोनी न हो सके, और इसके अलावा धारा 144 भी लागू कर दी गई है। पानीपत से सनी कथूरिया की रिपोर्ट।